टेंथ एनसीईआरटी आज फिर से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्रश्नावली जो 5.3 है हमारी, उसके कुछ सवाल आखिरी तक हमने लगा लिए थे, लेकिन अभी भी कुछ सवाल बाकी हैं जो इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, तो आज उन्हीं में से कुछ सवालों को देखते हैं। देखिए, एक सवाल है आपका 18वां, क्या कह रहा है हमसे कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है? ठीक है, तो देखिए हमें एक चित्र दिया हुआ है, पहले हम चित्र को बनाते हैं। ठीक है, और उसी के साथ मैं आपको बताता हूँ कि सर्पिल क्या होता है। हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, बस आपको समझ लेना है कि इन दो बिंदुओं का मतलब क्या है। बस आप जो सवाल को समझ नहीं पा रहे हैं, बस वो समझ जाएंगे आप। आपको देखने में कठिन सवाल लग रहा होगा, लेकिन है बहुत आसान। सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें कौन सी पहले त्रिज्या दी है, 0.5 सेंटीमीटर। तो हम ए से बी तक की दूरी है 0.5 सेंटीमीटर, इतना आप समझ गए। ठीक, तो हम ए पे प्रकार की नोक रखते हैं, पेंसिल कहाँ रखते हैं, बी पे, और यहाँ से एक अर्धवृत्त खींच लेते हैं। अर्धवृत्त का मतलब होता है आधा वृत्त। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ए से यहाँ तक की दूरी 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ तक की दूरी 0.5 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर, तो बी से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर हो गई। अब बी पे हम नोक रखते हैं प्रकार की, और यहाँ से एक अर्धवृत्त खींचते हैं, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर। अब हम दोबारा ए पे जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर, कितने हो गए, 1.5 सेंटीमीटर, जो कि हमें त्रिज्या दी हुई है। अब हम यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे, और यहाँ पे पेंसिल रखेंगे, और यहाँ से हम एक अर्धवृत्त निर्मित कर देंगे। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए, ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। मैंने थोड़ा, देखिए मैं यहाँ से अच्छे से बना देता हूँ आपके लिए, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। आप प्रकार से अगर बनाएंगे तो आपका बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आप डायग्राम से ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए कि लंबाई कितनी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम नोक रखेंगे, और यहाँ से 2 सेंटीमीटर की एक अर्धवृत्त को निर्मित कर देंगे। तो ये ऐसे ही हमारा, ऐसे यही क्रम हमारा चलता जाएगा। फिर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर, फिर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो ये जो हम कर रहे हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, ये जो आकृति निर्मित हुई है, इसे हम कहते हैं सर्पिल, सर्पिल, या इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पाइरल। ठीक है, और हमें संकेत में दिया हुआ है कि क्रमशः केंद्रों ए बी, ए बी वाले वृत्तों की लंबाइयाँ L1, L2, L3, L4। अगर आपने दिमाग नहीं लगाया तो आपको ऊपर से बात जाएगी, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। क्रमशः केंद्रों ए बी, ए बी मतलब पहले हमने कौन सा केंद्र लिया था, ए, फिर लिया बी, फिर लिया ए, फिर लिया बी। कैसे, सबसे पहले हमने ए पे लिया, ठीक है, 0.5 वाले त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के लिए, तो इसकी लंबाई हमें कह रहा है कि L1 मान लो, L1 मान ली हमने। अब बी पे केंद्र, बी हमारा केंद्र हो गया, और यहाँ से हमने एक अर्धवृत्त निर्मित किया जो कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, जिसकी लंबाई हमने कितनी ले ली, L2 ले ली, समझ रहे हैं। फिर हमने क्या किया, ए पे गए, यहाँ ये जो अर्धवृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर, तो इसकी हमने लंबाई ले ली L3। ऐसे ही देखिए, ये आगे बढ़ता गया, इसकी ले ली हमने L4। ऐसे ये क्रम जो है वो आगे चलता जाएगा, है ना, आगे चलता जाएगा। आपके डायग्राम में कुछ ऐसे दिया होगा, तो मैं भी वैसे ही बना लेता हूँ। ठीक है, ऐसे, और फिर यहाँ पे आगे जो क्रम है हमारा वो चलता जाता है। ठीक है, ऐसे आप ज़्यादा समझ पाएंगे। ठीक, तो हमें पता क्या है, हमें ये पता है कि त्रिज्याएं जो हैं
वो आगे पीछे हो रही है, मतलब 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये हमारा ए है और इसी से हम डी निकाल लेंगे। डी कितना हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर। ए कितना हो जाएगा? 0.5 सेंटीमीटर। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई निकाल ली हमें त्रिज्याओं का योग करके, उनका योग नहीं निकालना है समांतर श्रेणी से, हमें लंबाई निकालनी है। तो ये अर्धवृत्त की लंबाई आपने कितनी मानी? L1। ये L2, L3, L4। तो हमें क्या चाहिए? हमें L1 का मान चाहिए। अब L क्या है? अर्धवृत्त की लंबाई। अब लंबाई क्या होती? परिधि। आपको बताओ वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। 2πr होता है। तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र 2πr/2, मतलब पाई आर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि L1 इज इक्वल टू पाई आर। लेकिन L1 है तो यहाँ त्रिज्या कौन सी है? पहली, तो R1 लिख दिया हमने। ऐसे ही L2 क्या हो जाएगा? πr2। L3 क्या हो जाएगा? πr3। बस इतना ही आपको समझना था, बस और कुछ नहीं। ठीक, अब हम R1, R2, R3 का मान रखेंगे। रखिए जरा क्या आता, देखिए। L1 हमने निकाला, जो कि हमारा ए है पहला पद, वो क्या आ जाएगा हमारे पास? पाई। पाई की वैल्यू अब बाद में लगा देंगे हम। R1 क्या दिया है हमें? R1 हमें दिया है 0.5 सेंटीमीटर, है ना? 0.5 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया? 0.5 पाई, हमारा ए आ गया। अब हम क्या करेंगे? L2 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? πr/1 सेंटीमीटर, मतलब पाई। तो L2 - L1 अगर हम करें, मतलब डी निकालें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? πr-0.5π, πr-0.5π। इससे डी का मान हमारे पास क्या आ गया? डी बराबर आ गया हमारे पास 0.5π। समझ गए आप? अब हमें दिया हुआ है कि कितने सर्प, हमें कितने ऐसी अर्धवृत्त बनाने हैं जिनसे एक सर्पिल निर्मित होता है? 13। ठीक है, हमें कितने बनाने? 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो एन क्या है? 13। हमें क्या निकालना है? S13। सूत्र क्या होता है? 13/2 2a+(n-1)(d), है ना? S13 कितना आ गया? 13/2 2a। ए कितना है? 0.5। 2a कितना होगा? पाई। 0.5 × 2 1 हो गया, 1 × π पाई हो गया, प्लस n-1। n n कितना है? 13। 13-1 12। 12 × d कितना? 0.5π। समझ गए? पाई कॉमन ले लेते हैं। 13/2, ठीक है, × π, पाई कॉमन ले लिया। ठीक, तो क्या आ गया हमारे पास? पाई का मान कितना दिया हुआ है हमें? 22/7। 22/7, ठीक है। और देखिए, 1 + 12 × 0.5, ठीक है, समझ गए आप? अब पॉइंट को यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक, 12/5 कितना होता है? 60 होता है। 12/5 60 होता है। S13 कितना आ गया? 13/2, और यहाँ से हम 22 को काट देते हैं, 11 आ गया। ठीक है, 13/7, और यहाँ देखिए, 12/5 60 और 10/2, 0 से 0 कट गया, 6 आ गया। 1 + 6 1 + 6 1 + 6 हो गया आपका 7, तो 7 आ गया, और यहाँ 11 भी तो था, तो 11 आ गया हमारे पास। समझ गए आप? अब 7 से 7 कट गया, 13 × 11 करिए, 13 दहम हो गया हमारा 130। 130 + 13 मतलब 143। कितना आ गया? 143। तो यही आपका आंसर हो गया, 143 सेंटीमीटर, क्योंकि जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में दी हुई है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं कि 19वां सवाल, 20वां सवाल आप कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक, बस आपको क्या करना होगा, जो डायग्राम दिया है और जो हमसे कह रहा है
उसके अनुसार हमें पहला पद, ठीक है, डी निकालना होगा, सर्वांतर निकालना होगा, एन निकालना होगा और एस एन भी, मतलब हमें चार चीज़ों में से तीन चीज़ें पता हूँ, एक चीज़ हम निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको ये सवाल करना है, बस घबराना नहीं है, आपको ध्यान लगाना है कि ए डी और एन और एस एन में से हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रश्नावली 5.4 है, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं क्योंकि ये अच्छी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। अगर आपको इन दोनों एक्सरसाइज में से कोई भी सवाल ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से, या फिर हमारे फेसबुक पेज में जाकर आप वहाँ पूछ सकते हैं। अगली वीडियो से हम पढ़ेंगे त्रिभुज, एक आपका नया चैप्टर है उसे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।